गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4। ये आपका साइंस का चैप्टर फोर का सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको सारा सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। तो ये बुक के पेज नंबर 37 में से है, तो आप अपना बुक का पेज नंबर 37 ओपन कर देख सकते हो। तो फर्स्टली डी क्वेश्चन नंबर है ये, जिसमें आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। इसमें आपको आंसर छोटे में देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर। मैटर किसे कहते हैं? आंसर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जगह लेते हैं और जिसमें वजन होता है जिस वस्तु में, दैट इज कॉल्ड मैटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस का आपको दो दो एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल्स देना है। तो आंसर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है टू एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड वुड पेपर, टू एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड ऑयल वाटर, टू एग्जाम्पल्स ऑफ गैस एयर स्मोक, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग किसे कहते हैं? सो द आंसर इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जिस प्रोसेस के द्वारा लिक्विड जो है वो बदल के सॉलिड हो जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। ये कूलिंग के बाद होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसे कहते हैं? सो द आंसर इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस जब लिक्विड बदलता है तो कंडेंसेशन कहलाता है। व्हाट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? तो आंसर इज फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल सॉलिड्स कैन बी रिमूव फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। प्रोसेस में जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होता है वो हटाए जाते हैं लिक्विड से फिल्टर पेपर का यूज करके, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। इसमें आपका आंसर डिटेल में देना है आपको। सो क्वेश्चन नंबर वन, राइट अ नोट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर का अरेंजमेंट जो होता है, मैटर के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, उस पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। तो आंसर इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट थिंग्स, दैट इज व्हाई डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट शेप साइज एंड अपीयरेंस। सॉलिड सॉलिड का पार्टिकल्स आर पैक क्लोजली, देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड का अरेंजमेंट देख लेते हैं, पार्टिकल्स आर पैक लूजली, देयर आर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। और वहीं गैस की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ गैस आर पैक्ड वेरी लूजली, पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग फ्रीली। तो इस तरीके से तीनों का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट शॉर्ट नोट में मैंने लिख के दिखाया। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। ये आपको मैंने पहले भी नोट्स में कराया था और मैं फिर से करवा रही हूँ, सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस का। तो सॉलिड्स में सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स में लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, गैसेस में गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स में टेक अप अ डेफिनेट स्पेस, लिक्विड्स में टेक अप अ डेफिनेट स्पेस व्हाइल प्लेस्ड इन अ कंटेनर, और गैसेस में टेक अप ऑल द स्पेस अवेलेबल। और सॉलिड्स में डू नॉट फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो, गैसेस कैन फ्लो। सॉलिड्स पार्टिकल्स आर पैक क्लोजली, लिक्विड्स पार्टिकल्स आर पैक लूजली, और वहीं गैसेस में पार्टिकल्स आर पैक वेरी लूजली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट, डिस्क्राइब ऑल द प्रोसेसेस दैट मे कॉज द चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? द चेंज ऑफ स्टेट इज द चेंज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन फिजिकल फॉर्म टू अनदर। सब्सटेंस का एक फॉर्म से दूसरे में बदलना कहलाता है चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, द प्रोसेस इज दैट मे कॉज द चेंज ऑफ स्टेट आर फर्स्ट फ्रीजिंग, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड बाय कूलिंग, मेल्टिंग, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, इवेपोरेशन, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू गैसियस वेपर बाय हीटिंग, और कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच गैसियस वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेस से ये चेंज होता है, कोई भी स्टेट सॉलिड या लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड गैस में बदलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सब्यूट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। प्रोसेस फिल्ट्रेशन का बताना है और उसके बाद एक डायग्राम के थ्रू आपको आंसर को सपोर्ट करना है, तो डायग्राम बनाना कंपलसरी है। सो द आंसर इज इन फिल्ट्रेशन द सॉल्यूशन कंटेनिंग अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स इज मेड टू पास थ्रू अ फिल्टर पेपर।
The particles get collected in the filter paper while the water is collected in a separate container. Filtration process में solution जो होता है में undissolved particles जो होते हैं वो pass करता है filter paper से और filter paper में जो particles होते हैं वो जमा हो जाते हैं और पानी साफ हो जाता है. ओके आप ये डायग्राम बना सकते हो और बनाओगे ही क्योंकि आपका आंसर इसी से सपोर्ट करना आपको. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड सेडिमेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम इच अदर डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम. इसमें भी आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना है. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन में सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड थ्रू प्रोसेस और सेडिमेंटेशन में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस. अब इवेपोरेशन में इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द वाटर कम्प्लीटली वेपराइजेस लीविंग बिहाइंड द सब्सटेंस दैट वाज डिसॉल्व इन इट. पानी जो है वो भाप जो है पानी भाप बन के उड़ जाता है और जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं और सेडिमेंटेशन में जो पानी है वो गंदगी है वो नीचे सेटल हो जाता है. हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो और उसके बाद हम ऊपर से क्लियर वाटर निकाल सकते हैं. आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम भी बनाए हैं. आपको भी डायग्राम बनाना ज़रूरी है. ठीक है तो ऊपर देख सकते हैं कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में हमने दो डायग्राम के थ्रू शो किया है. पहले में पानी भाप बन रहा है और उसके बाद नीचे जो जमा हो गया कॉमन सॉल्ट बच गया और यहाँ पे सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में पानी जो है वो गंदगी नीचे जम गया. पहले दोनों पार्टिकल्स गंदगी मिले हुए थे उसके बाद क्लियर वाटर ऊपर हो गया और जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थे वो नीचे आ गया. तो ये प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. तो आपको भी डायग्राम बनाना कंपलसरी है. आप सारे बच्चे ये नोट कर लोगे. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.